हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर के सीज़न 1 के एपिसोड 2 को, जिसका नाम है ट्रेनर साकोंजी उरोकोडाकी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांजिरो एक फार्मर से बास्केट स्ट्रॉ और कुछ बैम्बू लेता है और फार्मर के बहुत बार मना करने पे भी पैसे दे देता है, क्योंकि नेज़ुको लाइट में नहीं आ सकती। सब सामान लेके टांजिरो एक केव के सामने आता है, जिसमें नेज़ुको ज़मीन पर गड्ढा करके उसके अंदर छिपी रहती है। फिर टांजिरो जो सामान फार्मर से लाया हो रहता है, उसका यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल बास्केट बनाता है, जिससे वो दिन में भी नेज़ुको को साथ ट्रैवल कर सके। पर वो बास्केट बहुत छोटी रहती है, जिस वजह से नेज़ुको उसमें नहीं आ पाती है। फिर टांजिरो नेज़ुको से बोलता है कि जैसे तुम पिछली रात बड़ी हो गई थी, उसी तरह छोटा होने का ट्राई करो। ये सुन के नेज़ुको छोटी हो जाती है और बास्केट में आराम से आ जाती है। और टांजिरो नेज़ुको को गुड गर्ल बोल के माउंट सगीरी की ओर बढ़ता है, जहाँ वो एक औरत से रास्ता पूछता है। औरत रास्ता बता के टांजिरो को वार्न करती है कि इस रास्ते से कई लोग गायब हो रहे हैं। फिर टांजिरो उस औरत को थैंक यू बोल के आगे बढ़ने लगता है और रात हो जाती है। और टांजिरो और नेज़ुको एक टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ टांजिरो को ब्लड की स्मेल आती है। वो टेंपल की ओर भाग के जब गेट खोलता है तो देखता है कि बहुत लोग मर रहते हैं और एक इंसान को एक डीमन खा रहा होता है। वो डीमन टांजिरो को देख के बोलता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ जो आएगा उसे वो डीमन सजा देगा। और ये बोल के डीमन टांजिरो पे हमला कर देता है, जिसके गले पे टांजिरो अपनी कुल्हाड़ी से कट कर देता है। पर हम देखते हैं कि डीमन की चोट कुछ देर में ही पूरी तरह ठीक हो जाती है। डीमन फिर से टांजिरो पे अटैक कर देता है और उसे मारने वाला ही रहता है कि नेज़ुको आके एक एक में डीमन का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। यहाँ पे हम नेज़ुको की पावर देख पाते हैं। तभी उस डीमन की बॉडी टांजिरो को अटैक करने वाली रहती है, पर नेज़ुको किक करके उसे दूर फेंक देती है। फिर डीमन की बॉडी नेज़ुको पे अटैक करने लगती है। टांजिरो नेज़ुको को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो डीमन का सर जिससे हाथ निकल आए थे वो टांजिरो पे अटैक कर देता है, जिससे टांजिरो अपने सर से मार के अपनी कुल्हाड़ी से उसे एक पेड़ पे फंसा देता है और नेज़ुको को बचाने बढ़ता है और देखता है कि उस डीमन की बॉडी नेज़ुको को एक खाई के पास मार रही होती है, जिसे पकड़ के टांजिरो खाई में कूद जाता है। पर नेज़ुको टांजिरो को पकड़ के बचा लेती है। फिर टांजिरो एक नाइफ लेके डीमन के सर की ख़त्म करने के लिए बढ़ता है। तभी टांजिरो के पीछे एक मास्क मैन आ जाता है, जो बोलता है कि इस नाइफ से डीमन नहीं मरेगा। तो टांजिरो पूछता है कि फिर डीमन को कैसे मार सकते हैं, जिस पर मास्कमैन बोलता है कि तुम खुद सोचो। फिर टांजिरो एक बड़ा सा पत्थर लेके डीमन को मारने के लिए बढ़ता है। तभी मास्कमैन टांजिरो के स्मेल से समझ पाता है कि टांजिरो कितना काइंड, और मन बोलता है कि गिव, ये लड़का कभी डीमन स्लेयर नहीं बन पाएगा। तभी डीमन का सर होश में आ जाता है। तभी सुबह भी हो जाती है और सनलाइट की वजह से डीमन जल के ख़त्म हो जाता है, जो देख के टांजिरो नेज़ुको को ढूंढने लगता है, जो लाइट से बचने के लिए टेंपल में छुपी रहती है। और जो लोग उस टेंपल में मरे रहते हैं, उन्हें वो मास्क मैन बरी कर देता है। फिर मास्क मैन बताता है कि उसका ही नाम साकोंजी उरोकोडाकी है। फिर उरोकोडाकी टांजिरो से पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेगी तो, और टांजिरो को एक कंटाप मारता है और बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो डिसीजन लेने में, जिस वजह से तुम सुबह होने के पहले डीमन को नहीं मार पाए। और बोलता है कि तुम बस दो चीज़ कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी डीमन को खा ले, पहला अपनी बहन को मार दो और दूसरा अपना पेट काट के खुद भी मर जाओ। पर ऐसा होने से तुम्हें हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन एक इंसान भी खा ले, ये चीज़ तुम्हें कभी नहीं होने देनी है। फिर उरोकोडाकी टांजिरो से बोलता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा ये देखने के लिए कि तुम डीमन स्लेयर बनने लायक हो कि नहीं। फिर टांजिरो नेज़ुको को लेके उरोकोडाकी को फॉलो करता है। तभी टांजिरो के दिमाग में आता है कि नेज़ुको हर्ट हो रही होगी रनिंग की वजह से। टांजिरो को फ्लैशबैक्स आते हैं। फिर टांजिरो नेज़ुको से प्रॉमिस करता है कि जो चीज़ें वो अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पाया, वो हर चीज़ वो नेज़ुको के लिए करेगा और उसे वापस से ह्यूमन बना देगा। माउंट सगीरी पहुँचने के बाद टांजिरो उरोकोडाकी से पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया,
इस पे उरोको डाकी बोलता है कि अब टेस्ट शुरू होगा, अब माउंटेन चढ़ना है, और टांजिरो को प्रॉमिस करता है कि वो नेज़ुको को प्रोटेक्ट करेगा। फिर उरोको डाकी और टांजिरो माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां उरोको डाकी बोलता है कि अब वापस घर तक आओ, वो भी सुबह होने के पहले, और वहां से गायब हो जाता है। माउंटेन के टॉप पे होने की वजह से वहां ऑक्सीजन कम होता है, जिससे टांजिरो को प्रॉब्लम होती है, और पूरे रास्ते में उरोको डाकी ट्रैप लगाया रहता है, जिनमें टांजिरो एक के बाद एक करके फंसता जाता है। पर फिर टांजिरो अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करके तेज़ी से नीचे बढ़ने लगता है, पर कम ऑक्सीजन और हर्ट होने की वजह से वो कुछ ट्रैप्स में फिर भी फंसता रहता है। पर नेज़ुको का सोच के हार नहीं मानता और नीचे पहुंच ही जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि गियू ने सर उरोको डाकी को लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया था कि टांजिरो को ट्रेन करें, और नेज़ुको को लेके प्रॉमिस भी किया था कि वो किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं करेगी। अगली सुबह सर उरोको डाकी टांजिरो को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और दी एंड। अगर आपको ये एपिसोड या कोई भी एनीमे डाउनलोड करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।